नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने करेंट हेवन के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आपको पता होगा कि बहुत सारे लोग या आपको बोल रहे हैं कि एग्ज़ाम आपका एक महीने बाद होगा, या फिर नवंबर में होगा, या फिर दिसंबर में होगा। जैसे मैं ही खुद बोल रहा हूँ कि लास्ट नवंबर तक कोई नोटिफिकेशन आपको देखने को मिलेगा, उसके पहले पहले ही नोटिफिकेशन आ सकता है। लेकिन ये कोई कंफर्म डेट नहीं है, लेकिन आपका एग्ज़ाम कंफर्म है, मैं इतना बता देता हूँ। मैं इस वीडियो में, आप अंत तक बने रहिए, मैं स्ट्रेटजी बताऊँगा, प्लस ये बताऊँगा अगर एक महीने भी मैं मान के चलता हूँ एग्ज़ाम एक महीने में होगा, तो एक महीने में कैसे मैं तैयारी कर लूँ बेस्ट तरीके से। तैयारियाँ तो डीएलएड की मात्र 10 दिन में भी हो सकती हैं अगर फोकस करके तैयारी को। 10 दिन भी बहुत सारे दिन, मतलब बहुत ज़्यादा दिन है, आप आराम से कर सकते हो तैयारी। इसके लिए मैं आपको जो स्ट्रेटजी बता रहा हूँ इसको फॉलो करिएगा, और आगे सीटेट भी लगा हुआ है, तो इस तरह से दोनों चीज़ों को आप बैलेंस करके चल सकते हो, है ना। मात्र आपको 3 घंटे, थोड़ा सा ज़्यादा मैंने बता दिया, या फिर अगर 2 घंटे भी, अगर हर एक, मतलब एक महीने भी है एग्ज़ाम के, तो अगर 2 घंटे भी आप फोकस्ड होकर केवल और केवल अपना डीएलएड पे फोकस होकर करते हो ना, तो बहुत बेस्ट होगा। 2 घंटे मतलब बहुत होता है यार। 2 घंटे में आप मोबाइल ना चलाना, मोबाइल को एक तरफ रखिएगा, कोई बुलाए घर में नहीं जाना है, तैयारी कर रहे हैं, सारे काम निपटा लो। अगर अकेले मम्मी का है वही हेल्प भी करना पड़ेगा ना, क्योंकि हमारे पेरेंट्स बहुत ज़रूरी हैं, पेरेंट्स के साथ साथ सारे काम होने चाहिए, समझ रहे ना। तो इस तरह से आप ये काम कर सकते हैं, उधर थोड़े से पेरेंट्स का सारा काम निपटा लो, उनसे बोल दो मम्मी अब मेरा एग्ज़ाम आ रहा, थोड़ा सा मैं पढ़ूंगा, तो ये आप 2 घंटे के लिए फोकस हो जाओ अच्छे से। फिर कुछ टाइम बाद उठो, थोड़ा सा अब सीटेट के लिए अपना प्रबंध कर लो। लेकिन जो चीज़ें हैं मैं यहाँ पे डीएलएड के पहले जिक्र कर लेता हूँ। तो आप डीएलएड का बहुत अच्छे से 1 मंथ, अब कभी भी आपका एग्ज़ाम हो, कभी भी हो, मतलब चाहे नवंबर के एंड से स्टार्ट हो, चाहे मिड दिसंबर से स्टार्ट हो, चाहे जो लोग बोल रहे हैं लास्ट दिसंबर से, तो हमें नहीं लगता लास्ट दिसंबर तक जाएगा, वह 15 दिसंबर के पहले पहले ही आपका कुछ ना कुछ ज़रूर आपको मतलब हो जाएगा, स्टार्ट हो जाना चाहिए आपके एग्ज़ाम। ये चीज़ें क्योंकि भाई पिछली बार भी हमने यही देखा था, मैं जो भी डाटा बताता हूँ आपको पिछले बार का एक तरह से कनेक्ट करके बताता हूँ, जो भी चीज़ें पीछे आपके हुए हो रहते हैं आपके इतिहास में डीएलएड से संबंधित है, तो डीएलएड के इतिहास की मैं बात कर लेता हूँ। जैसे कि आपके पिछली बार हमने देखा था कि आप खुद गवाह हैं इस चीज़ की, कि आपको जैसे आपका एग्ज़ाम लगा था वैसे ही आपके स्कूटनी के रिजल्ट भी आना स्टार्ट हो गए थे, तरह तरह, मतलब हर सेमेस्टर के रिजल्ट आ रहे थे। लास्ट में सबसे 4 सेमेस्टर का आया था, बच्चे हड़बड़ा रहे थे कि सर इस सेमेस्टर के एग्ज़ाम स्टार्ट हो गए सर, लेकिन अभी स्कूटनी का रिजल्ट नहीं आया है, तो वह चीज़ें आपको देखने को मिली थी। मैं इसी बात से बस उसी चीज़ को कनेक्ट करके मैं इस बार भी बताने वाला हूँ आपको कि आपके जो एग्ज़ाम हैं, जैसे 19 नवंबर को फाइनली आपके स्कूटनी के रिजल्ट आ जाएंगे, 19 नवंबर तक या फिर 19 नवंबर के आगे पीछे, मतलब कि थोड़ा सा ज़्यादा भी हो सकता है, थोड़े से 2-4 दिन पहले भी हो सकते हैं, है ना। तो यह चीज़ें मैं 3 महीने मान के चलता हूँ, क्योंकि 3 महीने में इनका रिजल्ट देना है, यह चीज़ें देख सकते हैं। तो 3 महीने में मान लीजिए आपके रिजल्ट आते हैं, तो आपके एग्ज़ाम थोड़े से हो सकते विलंब हो या फिर थोड़े से पहले हो सकते हैं, बस यह चीज़ है। और जो बच्चे ये कह रहे हैं ना कि तरह तरह के डेट सर बताया जा रहा है, तो वो चीज़ें आपके ऊपर है ना, आप तरह तरह के डेट देखते हो तो तरह तरह के डेट मिलते हैं, क्योंकि बच्चे जो होते हैं ना थोड़े से एक्टिव होते हैं अपने एग्ज़ाम को लेकर, थोड़ा सा भी वीडियो में लिखा कुछ तो बच्चे फटाफट देखना स्टार्ट करेंगे वीडियो में क्या है, है ना, और भगा भगा के देखते हैं, सटीक से नहीं, पर पूरी वीडियो नहीं देखता है कोई। अगर आप किसी भी एक चैनल को फॉलो कर लें जो थोड़े से लग जाए, हाँ आपके लिए बेस्ट है। आपको यहाँ पर सारे क्लासेस भी दिए जाते हैं, आपको यहाँ पर नोटिफिकेशन के थ्रू, मतलब किसी भी चीज़ को जो बताया जाता है बिल्कुल फोकस्ड होकर, बिल्कुल गोल पर फोकस्ड होकर बताया जाता है कि हाँ इस तरह से चलेंगे इस वे में, तो अपने लक्ष्य तक हम बहुत आसानी से पहुँच सकते हैं, ठीक है। देखो, क्लास की चिंता नहीं करनी है, क्लास मैंने मैथ का भी फिनिश किया है, साइंस का भी फिनिश कर दिया, 1-2 चैप्टर बचा हुआ है, जैसे माइक मेरा आ जाता है मैं स्टार्ट कर दूंगा थोड़ा सा उसे, थोड़े मोड़े क्लास बचे हैं, और ज्योग्राफी मतलब इस सामाजिक अध्ययन के भी कुछ चैप्टर बचे हैं, इन 3 चैप्टर को तो बहुत अच्छे से कराऊंगा पूरा बोर्ड पे आके अच्छे से, और बाकी के जो सब्जेक्ट हैं आपके पास, चाहे 4th सेमेस्टर हो चाहे 2nd सेमेस्टर हो, जो बाकी के सब्जेक्ट हैं उसके लिए हम राजन या पवन सीरीज का थोड़ा सा हेल्प लेंगे, उसके माध्यम से क्वेश्चन कराएंगे, और जो सब्जेक्टिव मैंने कंप्लीट करा दिए रहेंगे जैसे मैथ, सामाजिक अध्ययन और आपका साइंस, इसका भी मैं आपके क्वेश्चन जरूर कराऊंगा राजन या पवन सीरीज में से किसी एक सीरीज से अच्छे से, बिल्कुल भरपूर तरीके से, अभी दोनों से मैं करा दूंगा, जिसको जिससे करना हो कर लेगा, ठीक है। यह चीज़ें होंगी, कहीं से भी कोई राजन सीरीज पवन सीरीज आपको नहीं लेने की आवश्यकता है, मैं कराऊंगा उसे, आप जरूर पूरे के पूरे देखिएगा ना।
और जैसे कि इंग्लिश की बात कर रहे हैं बच्चे, तो इंग्लिश का आप राजन सीरीज कौन सीरीज ले सकते हैं, उसको बहुत ही अच्छे तरीके से गो थ्रू हो लीजिए, उससे उसी में से सारे क्वेश्चन लगभग लगभग आ जाते हैं, फंस जाते हैं, या फिर उसी टाइप्स के होंगे, बिल्कुल उससे बाहर नहीं होता है। जो बच्चा कहता है सर उससे बाहर होते हैं, हम तो हमें नहीं लगता उससे बाहर होता है, आप कोई भी पेपर लेकर आओ उससे न मैच करा दिए सारे के सारे प्रश्न उसी में से, तो कहना कहे खैर आपकी मेंटेलिटी होती है, आप पेपर नहीं निकाल पाते हो तो कहते हो कि उस पवन सीरीज से नहीं आया है, आप ब्लेम करना जानते हो खुद पे, दूसरों को भी ब्लेम करते हो, अपने अंदर नहीं देखते हो ना कि मेरे अंदर क्या कमियाँ हैं। तो ये स्ट्रेटजी आपकी होनी चाहिए, आपको यह मान के चलना है फाइनली कि आपके एग्जाम बस एक महीने ही हैं, बस 1 मंथ है, यह चीज़ें आपको मान के चलना है, आपकी एग्जाम कभी भी हो। अभी से अगर आप मान लेते हैं वैसे 31 तारीख तक हो सकता है कुछ चीज़ें सूचना के रूप में हमें मिल जाएं, अगर ना मिलती हैं तो मान लीजिए आपकी एग्जाम 1 मंथ तो रहेंगे ही रहेंगे, लास्ट नवंबर से आप मान के ही चलो आपके एग्जाम स्टार्ट हो जाएंगे, है ना। इसी बीच थोड़ा सा माइक भी मेरा डिस्टर्ब हो गया, लेकिन कोई बात नहीं है, कुछ अच्छे के लिए हुआ होगा, नया माइक मैंने ऑर्डर कर दिया, वो बहुत अच्छी माइक्स थी भाई, बहुत मतलब अच्छी कंपनी की थी थोड़ी सी, हमने ऑर्डर कर दिया, जैसे ही आएगा तो मैं क्लासेस सारा स्टार्ट कर दूँगा। बस आप लोग अच्छे से पढ़ाई करिए, जिस स्ट्रेटजी हमने बताया जो स्ट्रेटजी उसको फॉलो करिए, और एक सब्जेक्ट उठाइए तो एक सब्जेक्ट को पूरा ख़त्म करिए, एक दिन में ख़त्म करिए, या थोड़ी सी एफिशिएंसी अपने अंदर लाइए, या नहीं कि एक घंटे मैं मैथ देखूंगा, एक घंटे साइंस देखूंगा, कोई सब्जेक्ट किसी तरीके से आप कंप्लीट नहीं कर पाओगे, समझ रहे हो ना। एक सब्जेक्ट उठाओ, बहुत अच्छे तरीके से गो थ्रू होइए उसका और फिनिश करिए उसको, है ना। और क्वेश्चन वगैरह बाद में, पहले थ्योरी, फिर क्वेश्चन के लिए दूसरा स्टेप्स हम लोग लाएंगे, पहले सारे के सारे जितने भी सब्जेक्ट हैं उसको थ्योरी के रूप में पढ़ डालिए, फिर दूसरा स्टेप्स में क्वेश्चन इस तरह से पढ़ते हैं, पढ़ाई बहुत ज़बरदस्त होगी, आपको लगेगा भी कि हम कुछ खत्म करते हुए चल रहे हैं, ठीक है। यह रहा, और आपके एग्जाम में मात्र 1 महीने मान के आपको चलने हैं, 1 महीने हैं बस, यह सोच के चलिए। धन्यवाद।